हेलो, अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। सब कैसे हैं? आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। तो गाइस, आज का व्लॉग थोड़ा डिफरेंट होने वाला है क्योंकि मुझे लगे है इस टाइम फुल भूख। ये जो लैपटॉप है ये भी इस टाइम बहुत बुरा लग रहा है क्योंकि कोई कुछ भी करने का दिल नहीं कर रहा। अब मेरा दिल कर रहा है मैं कुछ खाऊं, तो क्या बनाया जाए क्या बनाया जाए। तो मैंने सोचा कि स्पेक्टिस बनाते हैं आज और आपसे अपना व्लॉग शेयर करते हूँ। लेकिन अभी जो ये बेड है ना, ये भाई मुझे उठने नहीं दे रहा है। कहता ना आपने उठ के नहीं जाना यहाँ से। ये उठने नहीं देता मुझे, सारा दिन नहीं उठने देता, सारा दिन मैं इस पे रहती हूँ। चलें अब हम चलते हैं अपने किचन में और स्टार्ट करते हैं अपनी कुकिंग जो कि नाकाबिले बर्दाश्त है। अच्छा, मेरे हुलिये पे आप मत जाना क्योंकि मैं अभी सो के उठी थी थोड़ी देर पहले, तो मैं बिल्कुल वैसे की वैसी आपके सामने आ गई। क्योंकि आप तो अपने आप को माइंड करते हैं क्यों, सही कहा ना मैंने। चले अब मैं जाती हूँ किचन में। तो चलते हैं हम अपने किचन की तरफ। ठीक है, सॉरी। मैं फिर आपको बताती हूँ खाना। जी तो हम पहुँच गए हैं अपने किचन में। इसे सनस्क्रीन में तो अच्छी आती है। जी तो मैं आपको दिखाती हूँ स्पैकेट्स। स्पैकेट्स ऑलमोस्ट मैंने बॉईल कर ली थी पहले ही। मैंने कहा पहले कर लेती हूँ। यहाँ पे रखा हुआ है वन ऑनियन, जिंजर गार्लिक पेस्ट बनाएंगे। इसके अंदर वन चिली ऐड करेंगे, ठीक है। और इस साइड पर चिकन है, ये चिकन लिया हुआ है मैंने आज। क्या मैं कहूँ मेरे साथ आज क्या हुआ है, मैंने मंगवाया बॉयल चिकन था और मिल बॉयल कह रही हूँ सॉरी बोनलेस चिकन था और मिल गया। तो हम अब इसको ही बोनलेस बनाने के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, ठीक है। इसे विदाउट फिल्टर भी अच्छी है मेरी स्किन, है ना। चलें जी अब बनाते हैं अदरक लहसुन का पेस्ट जो कि बहुत मुश्किल लगता है मुझे। और ऑनियन बनाते हैं। मैं इसलिए भाई देख रही हूँ क्योंकि भाई तो आई थिंक लड़ाई हो रही है। तो अब हम बनाते हैं, अब हम करते हैं प्याज काट काटते हैं सबसे पहले, देन हम करेंगे जिंजर गार्लिक का पेस्ट। ओके, सो अब हम अपने अनियन काटते हैं, देन उसके बाद पेस्ट बनाएंगे। तो आप देखें मैं कितना अनियन काटती हूँ क्योंकि मैं मुझे नहीं आता कुछ भी बनाना। सो सबसे पहले हम इसका कवर करेंगे रिमूव अच्छी तरह से। नेक्स्ट स्मेल नहीं अच्छी लगती मुझे बिल्कुल, कट ही नहीं रहा भाई, कट रहा। फाइनली आंखों में डर रहा है, आंखों में डर रहा प्यार को। अभी हमें ट्राई तो करना पड़ेगा। पीछे से आप कह रहे हैं कि आप हेलमेट डालें।
कांदा फाइनली जद्दोजहद करने के बाद अनियन हमने काट लिए। अगर लहसुन का पेस्ट बन गया और आप देख सकते हैं आंखों का क्या हाल हो, तो मैं आपको दिखाती हूँ फिर मैंने कट कर लिया वो। ये देखें प्याज भी कट हो गए, सॉरी अदरक लहसुन का पेस्ट बनाते हैं अब। ठीक है, खाने के लिए हमें चाहिए ग्राइंडर और ग्राइंडर आई थिंक यहाँ पर है, मिल गई। फाइनली अब हम इसके अंदर डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट और जल्दी से बना लेंगे इसको। ठीक है, यहाँ से हम उसको डालते हैं के इसके अंदर, पहले तो वो डालना ही पड़ेगा फिर एक मिनट। तो इसको अच्छी तरह से ये हमारा मिक्सचर बन गया, हम इसको पाते हैं देन हम इसको इसके अंदर ऐड करेंगे अच्छी तरह जी। तो ये फाइनली ये तो हो गया, आप पा रही है हमारी चिकन की, सॉरी। तो हम इसको करते हैं बोनलेस। ठीक है, लाइक मैं तो कोई कसाई टाइप बनी हुई हूँ इस टाइम, छोटे छोटे लीटर लीटर पीसेस। आपने ये स्टोरी भी सुनी होगी ना, तो आपने बस उसमें मिल करके इसको बना लें। कट जा भाई जल्दी, पीछे कौन होना है मेरी वीडियो के, मैं थिंक कोई भी नहीं है। मैं खाती जल्दी से इस टाइम मैं फुल ऐसे लग रही हूँ जैसे किसी गोश वाले पट्टे पे खड़ी हूँ। तो गाँव कह रहा भाई जल्दी कर बच्चे लेने हैं स्कूल से, जल्दी कर गोश बना। हमने मीट काट लिया जी। अगर किसी ने बकरा ईद पर मुझसे अपॉइंटमेंट लेनी है तो पहले ही ले ले ताकि आपका मीट कट जाए अच्छी तरह। अब मैं इसको इसके अंदर डाल के वॉश करती हूँ। देखिए क्या प्यारी। सो फाइनली एवरीथिंग इज रेडी, हर चीज़ रेडी है। मीट भी मैंने अच्छी तरह काट लिया, फैक्ट्री इसको वाइन काल दे कर दिया, वहाँ पे बर्तन भी रख लिया जी जनाब। तो जो हमने हिला दी चल गया ठंडी आलू टाइम से जी। हम इसके अंदर डालेंगे ऑयल। फाइनली हमने इसके अंदर अपना ऑयल डाल दिया है। अब डालते हैं इसके अंदर ऑनियन एंड अदरक लहसुन का पेस्ट देन चिकन फिर स्पैगेटी। चलिए जी मैं आती हूँ जी। तो स्पैगेटी हमारी रेडी हो रही है, साइड पे मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, वो भी पता है मेरे साथ क्या हुआ, मेरा मोबाइल अंदर गिर गया था स्पैगेटी के जी। रोना, और अगर ये ख़राब हो जाता तो मैं क्या करती। टन टन फाइनली गाइस पैटी इज रेडी, अब चलते हैं उसको खाते हैं फिर मैं आपसे शेयर करूँगी। मैं इसको लेके जा रही हूँ अपने कमरे में चोरी चोरी ताकि कोई मांग ना ले। देखें अच्छी बनी है जी। तो फाइनली मैं अंदर आ गई हूँ रूम में अपनी स्पैगेटी लेके। तो अब मैं इसको ट्राई करूँगी, देखते हैं लेट्स सी व्हाट टेस्ट्स। आई होप अच्छा ही होगा। यहाँ पे मैं वॉइस कोड करी क्योंकि पीछे मैंने सॉन्ग लगा दिया था और फिर कॉपीराइट क्लेम आ गया था, तो इसलिए सॉरी गाइस। अब मैंने पीछे सॉन्ग बंद करके सब कुछ म्यूट करके दोबारा कर रही हूँ। बहुत टेस्टी था ये स्पैगेटी। अगर आप चाहते हैं मैं इससे आपकी आपके साथ ये स्पैगेटी शेयर करूँ रेसिपी, तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, फिर इंशाल्लाह सून मैं आपसे ये रेसिपी शेयर करूँगी। दिस इज़ टू मच टेस्टी, प्लीज़ ट्राई दिस, बहुत ही यम्मी था आई प्रॉमिस।
जी तो गाइस, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसको शेयर कर दिया करें ताकि दूसरे लोग भी एंजॉय कर सकें माय व्लॉग। जी गाइस, तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ थम्स अप एंड सब्सक्राइब माय चैनल, ताकि मैं इससे आपसे आगे आने वाली वीडियो मिल सके। तब तक के लिए ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।